5000 वर्ष तक की है और मूर्तियों में प्रभु 10000 वर्षों तक की है, तो उससे भी हमें लगता है कि आगे जाकर अगर हम इसी जीवन में पार ना हुए तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए क्या करना है? बैठे बहुत अच्छा। स्कंद पुराण में लिखा है जो आप कह रहे हैं, स्कंद पुराण का वचन है कि कलयुग के कितने हजार वर्ष तक गंगा जी मर्त्यलोक में बनी रहेंगी, अर्चा विग्रह जो मूर्तियां हैं उनमें देवी देवता प्रतिष्ठित रहेंगे, यह सब लिखा है स्कंद पुराण। आगे जो आपने कहा कि अच्छा है कि कलयुग में फिर जन्म ना हो, आगे इसी समय ऐसा साधन करें कि बेड़ा पार हो जाए, अच्छी बात है, कर ही लीजिए। इंदिरा गांधी का इमरजेंसी पीरियड था, आपातकालिक, हमारे पूज्य गुरुदेव काशी में प्रवचन कर रहे थे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने प्रतिबंध लगा रखा था, ये नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है। महाराज तो जो बोलना होता बोलते थे, लेकिन उनके मुखारविंद से निकला ये श्रोताओं कम से कम इतना पुण्य अर्जित कर लो कि कलयुग में फिर जन्म न लेना पड़े, राम राम बोलने पर ही प्रतिबंध, या कोई शासन तंत्र, कुछ गुरुदेव ने कहा बोलने पर ही प्रतिबंध या कोई शासन तंत्र है, तो कम से कम ऐसा इतना पुण्य अर्जित कर लो कि कलयुग में जन्म न लेना पड़े, वेदनापूर्वक महाराज ने कहा। अच्छा है कि फिर कभी जन्म न लेना पड़े तो और ऊँची बात। परीक्षित के अनुकूल प्रश्न है यह, गंगा तट पर बैठ गए, सुखदेव जी से कथा सुनी, सदा के लिए मुक्त हो गए। आगे